इस बड़ी खबर का, अहम जानकारी का आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटबॉल खुले तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी में आज फिर जो गुटबाजी की तस्वीर है और ताजा उदाहरण है वो दिखाई दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले हैं लात घूंसे, बताया जा रहा है करनाल में आपस में भिड़ गए तमाम कार्यकर्ता। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की जो तस्वीरें हैं, खुले तौर पर नारेबाजी की जा रही है। पार्टी के जो बड़े नेता उनका मानना है कि इस तरह से नारेबाजी को एक पल के लिए स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अगर लात घूंसे चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। कैप्टन अजय यादव जुड़े, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, चूंकि जिन नेताओं के नाम पर ये नारेबाजी हो रही है, उन नेताओं को कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आना चाहिए और अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया जाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा। करनाल की तस्वीर ये देखिए आप, हुड्डा और सुरजेवाला के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हैं जिनके समर्थक हैं, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला हैं जिनकी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान है, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, और इन दोनों ही बड़े नेताओं के समर्थकों में आपस में गुटबाजी किस तरह से आई है तस्वीरें देखिए आप। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी जुड़ गई हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अंजलि, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी मुहाने पे खड़े प्रदेश और देश में इस तरह की जब घटनाएं बढ़ेंगी कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो इससे किसका नफा और किसका नुकसान होगा? देखिए, इस तरीके की गुटबाजी अक्सर देखा जाता है कि चुनावों के दौरान पार्टी के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लिए ये कोई पहली दफा नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के लिए गुटबाजी अशोक तंवर के समय से चली आ रही है और उसके बाद तो न जाने कितने प्रदेश अध्यक्ष बदले तो कितने प्रदेश प्रभारी बदले, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर तस्वीर की यहाँ पर बात की जाए रितेश, तो यहाँ पर समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो भी ऐसे समय में जब हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर, संगठन बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। दीपक बाबरिया आपको याद होगा जब प्रदेश प्रभारी बने थे तो उस दौरान भी हंगामा किस तरह से देखने को मिला था, जब उन्होंने तमाम पार्टी के जो आला नेता हैं उन्हें एक साथ बुलाया था और उस दौरान भी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। और याद होगा कि कुमारी शैलजा बीच बैठक में से ही वो किसी काम की वजह से ऐसा उन्होंने कहा था कि उन्हें जाना पड़ रहा, लेकिन वो निकल गई थी वहां से। अब देखिए, क्योंकि समय यहाँ पर प्रदेश चुनावों के दौर पर खड़ा हुआ है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले कांग्रेस जो कि संगठन के यहाँ पर निर्माण की बात कह रहे हैं, दीपक बाबरिया ये साफ कह चुके हैं ये संगठन निर्माण यहाँ पर होकर रहेगा और जल्द से जल्द ये संगठन निर्माण होगा, हरियाणा कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। उस बीच यहाँ पर गुटबाजी आप किस तरीके से देख सकते हैं वो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण किस तरीके से हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है और दूसरी तरफ जो अलग अलग गुट हुआ करते थे, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, वो अब एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। अब जब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान बने तो उस दौरान भी हमने यहाँ पर देखा कि ये कहा जा रहा था कि पार्टी को मजबूत किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हंगामा हुआ। फिर प्रदेश प्रभारी जो है वो बदले गए, दीपक बाबरिया, उस दौरान भी ये कहा गया था कि अब इस तरीके की गुटबाजी जो है वो यहां पर नहीं होने दी जाएगी, लेकिन उस बीच भी हुई। लेकिन कल हमने जिस तरीके से देखा कि एक दिन में हमने देखा कि किस तरीके से गुरुग्राम में, जींद में, हिसार में और नारनौल में हंगामा हुआ और आज करनाल की तस्वीरें तो यहां पर काफी हैरान कर देने वाली है कि लात घूंसे यहां पर चलेंगे। ये तो कहा जा रहा है कि बाप बेटे की जो पार्टी इस तरीके से हम नहीं चलने देंगे। सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना यहां पर साधा जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है कि आखिरकार हरियाणा कांग्रेस का क्या भविष्य यहां पर देखने को मिलेगा। अंजलि, इन तमाम कार्यकर्ताओं की जिस तरह से आपने भी कहा कि एक तरफ हुड्डा गुट कहा जाता है, दूसरी तरफ एक नया गुट तैयार हुआ है एसआरके गुट जिसे कहा जा रहा है, और तमाम नेताओं के बीच में आपसी प्रतिद्वंद किस तरह का है पूर्व में भी हमने देखा है, इन तमाम कार्यकर्ताओं की आपत्ति किस बात को लेकर है? चूंकि ये जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं तो आलाकमान की ओर से, केंद्रीय आलाकमान की ओर से। जी बिल्कुल रितेश, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो है वर्चस्व। अंजलि, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। हमारे साथ कांग्रेस विधायक अमित सिहाग जी जुड़ गए हैं। अमित सिहाग जी, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। अमित सिहाग जी, प्रदेश कांग्रेस में आखिर क्या चल रहा है, क्या आप समझाएंगे किस तरह से जो एक तरफ कहा गया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए कवायदे आगे बढ़ रही है, संगठन का विस्तार होगा, लेकिन इस बीच अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार नहीं करते गुटबाजी है, लेकिन ये क्या है फिर? देखिए, मैं इसका दो स्वरूप देखता हूँ। जरूर ये आपकी बात दुरुस्त है कि किसी तरह की पार्टी में एकजुटता होनी चाहिए और अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर इसके साथ साथ मैं इसका दूसरा स्वरूप भी एक देखने का काम कर रहा हूँ
कि जिस तरह का एक उत्साह मैं मानता हूं सभी के अंदर आज की तारीख में है कि कांग्रेस पार्टी जो है सही मायने में आने वाला विकल्प भी है और सही मायने में जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को की सरकार बनाने का, तो वो जो उत्साह है कई बार मैं मानता हूं कि उसका इस तरह का स्वरूप धारण करता है। आई एम सॉरी अमित सिंह जी, लेकिन आप ऐसे उत्साह कह रहे हैं, करनाल में लात घूंसे चले इस तरह की जानकारी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने। मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह की अनुशासनहीनता की जरूर पार्टी में कोई जगह नहीं है और इसका पार्टी पूरी पूर्ण तरह से संज्ञान भी ले रही है और जो हमारे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया है उसको उनको पूरी तरीके से मैं मानता हूं जानकारी होगी। मगर इसके साथ साथ एक चीज मैं इस अब यही संदेश देना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं को भी कि ये जो मुद्दा है आज की तारीख में अपने अपने खुद के हित से ज्यादा कि किसको क्या पोस्ट मिलती है क्या क्या दिया जाता है, ये सही मायने में आज के देश के हित का मुद्दा है और जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने पिछले साल 7 सितंबर को एक यात्रा की शुरुआत की थी, तो आज उन मुद्दों पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बट ये अमित सिंह जरूर राजनीतिक रूप से महत्व कांक्षा है कई बार इस तरह का, और मैं मानता हूँ आने वाले समय में इस चीज को भी पार्टी के स्तर पर इस पर भी अंकुश लगाने का काम किया जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अमित सिंह जी, पिछले 3 दिनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल जनता टीवी के साथ बातचीत करते हुए प्रभारी दीपक बावरिया ने नसीहत दी थी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी ये अनुशासनहीनता हो रही है, आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई की जरूरत है, सख्त जरूरत है? नहीं, बिल्कुल बिना अनुशासन के तो कोई परिवार हो कोई भी संगठन हो नहीं चल सकता, तो इसमें अनुशासन तो हमेशा एक सबसे बड़ी मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण जो एक जरूरत होती है किसी संगठन को कामयाबी के साथ चलाने के लिए, तो सबसे बड़ी आज का माहौल ऐसा है कि जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में मौका देने के लिए, और मैं मानता हूँ अगर किसी भी कार्यकर्ता जो ऑब्जर्वर्स गए हुए हैं और किसी भी कार्यकर्ता और नेता को अपनी बात है वो स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र पार्टी है जिसमें प्रजातंत्र को हमेशा बल दिया गया है, तो वो अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, मगर उसका स्वरूप इस तरीके से ना हो कि आपस में बयानबाजी हो। ये अमित सिंह जी, आप इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही ये एक तरह से लड़ाई समझते हैं या फिर बड़े नेताओं के स्तर पर भी यही स्थिति है, बस वो खुलकर सामने नहीं आती जो कार्यकर्ताओं के जरिए दिखाई दी जाती है? मैं मानता हूँ किसी के भी कोई भी व्यक्ति विशेष हो, मैं मानता हूँ चाहे मैं आज एक MLA जरूर हूँ, मगर MLA से पहले मैं अपने आप को एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही मानता हूँ, तो किसी भी स्तर पर जरूर हूँ, तो हर एक मैं मानता हूँ चाहे वो किसी भी स्तर पर है, चाहे वो ब्लॉक के स्तर पर है, जिला के स्तर पर है या शीर्ष नेतृत्व में, सभी हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता हैं और हमारी एक ही भूमिका रहनी चाहिए कि जो आज आने वाला मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इस देश और इस प्रदेश को प्रजातंत्र को बचाने का मुद्दा है, उसके लिए हमें संगठित होने की जरूरत है। जिस तरीके से पूरा आज देश लामबंद हो रहा है जी, जो ये सरकार की नीतियां, उसी तरीके का हमें कहीं ना कहीं संदेश और संकेत कहां पर अमित सिंह जी, कहां आप मानते हैं कि फेलियर रह रहा है कि इस तरह की स्थिति बन रही है प्रदेश में लगातार, कहां पर आपको लगता है कि कमी कहीं ना कहीं रह गई? अगर नियुक्ति की गई है ऑब्जर्वर्स की और फीडबैक ही अगर लिया जा रहा है उसी वक्त ये स्थिति है, अगर सूची जारी होगी तो क्या ही बवाल होगा? देखिए, मैं इसका एक कारण मानता हूं कि पिछले जो 8-9 सालों से जिस तरीके से संगठन नहीं बना, तो ये एक तरीके से आज शुरुआत है, पिछले जब से दीपक बावरिया जी बने हैं पिछले 2-3-4 सप्ताह से जो प्रक्रिया चल रही है एक शुरुआती दौर पर है, और काफी लंबे समय से जो कार्यकर्ता और जो मैं मानता हूं नीचे स्तर पर भी नेता है वो अपनी बात रखना चाहते थे मगर 7-8 सालों से उन्हें कोई एक मंच नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं एक जब ये निकल कर आया ये प्रक्रिया शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उसका मैं मानता हूँ उसका कुछ ना कुछ शुरुआती आपको इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण हमें जो चीजें गतिविधियां देखने को मिली, मगर मैं वो पूरी उम्मीद करता हूँ कि सभी नेता हमारे सक्षम है और आने वाले समय में एक मंच पर बैठ के जो भी छोटा मोटा इस तरह का जो है इन चीजों पर अंकुश लगा के पार्टी को सरपरी मानते हुए अमित सिंह जी, किसी बड़े नेता की बाइट या बयान नहीं आया है, जिन जिन नेताओं के नाम पर ये नारेबाजी की जा रही है उन नेताओं की ओर से भी यहां तक बयान नहीं आया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये सब इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्या ये एक तरह से इशारा नहीं अपने अपने कार्यकर्ताओं की आपको छूट है जो करना चाहें करिए? मैं वही कह रहा हूं, मेरा सिर्फ यही संदेश रहेगा कि इस तरह की घटनाक्रम, क्योंकि आज की तारीख में जनता का मन कांग्रेस पार्टी के साथ है और एकजुटता का हमें जरूर संदेश संकेत देना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, पार्टी और संगठन सभी नेता मानते हैं, मैं मानता हूँ ये कि पार्टी और संगठन सबसे सर्वोपरि है,
और उसके मद्देनजर ही मैं आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। तो मैं मानता हूँ ये कुछ ना कुछ किसी भी प्रदेश में, केवल हरियाणा के स्वरूप में नहीं है, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हमारे वहाँ पर कहीं ना कहीं पर इस तरह की एक प्रजातांत्रिक आवाज है। अभी मैं राजस्थान में भी गया हुआ था, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लोगों का उत्साह दिखाई देता है। कई बार उस उत्साह में आपस में क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी महत्वाकांक्षाएं, वो महत्वाकांक्षाएं सरफरी बन जाती है और उसमें इस तरह की कुछ बयानबाजी या इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, बट बाद में कहीं ना कहीं बाद में जब जैसे सारी स्थिति का सभी लोग जब बातचीत निकल जाती है, बात हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर जरूर आते हैं। तो मैं मुझे पूर्ण उम्मीद है आज आपको इसका ये स्वरूप दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में वो एक साथ चलते हुए और एकजुटता के साथ जो अपना संदेश देंगे उसका भी स्वरूप दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करने के लिए। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, उनका ये कहना है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज हो रही है। आखिर सवाल ये कि क्यों इसे होने दिया जा रहा है, क्यों इस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई या एक्शन नहीं दिखाई दिया, ना ही किसी बड़े नेता का बयान प्रभारी को छोड़ दिया जाए तो सामने आया है जिन जिन नेताओं के नाम पर ये तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल रितेश, क्योंकि अब देखिए ये सब चीजें हो रही हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो पूरी तरीके से हरियाणा कांग्रेस की खासकर ये कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल यहां पर किस तरीके से किया जाए। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों होने दिया जा रहा है, वो भी तब जब राहुल गांधी तक कहते आए हैं कि इस तरीके से कोई भी गुटबाजी जो है वो नहीं सही जाएगी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस ही क्या, अन्य राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस है वहां पर गुटबाजी, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए या हिमाचल आप देख लीजिए, कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी जो है वो समय समय पर हावी होती आई है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लिए आप ये देखिए कि ये गुटबाजी जो है वो अब तक कई प्रदेश अध्यक्षों को ले चुकी है, उनके पद को हटा चुकी है, प्रदेश प्रभारियों को हटा चुकी है, और यही वजह है कि यहां पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वक्त दर वक्त बदले गए, प्रभारी वक्त दर वक्त बदले गए हैं। लेकिन अब जब चुनावी मोड में है, चुनावी सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, ऐसे समय में अब बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी आलाकमान यहां पर कोई हस्तक्षेप करे, नहीं तो हरियाणा कांग्रेस के लिए दिक्कत यहां पर जरूर हो सकती है, वो भी ऐसे समय में जब एक एक मत क्यों नहीं बन पा रहा है। इनका कहना है कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वर्चस्व की लड़ाई जो इस समय हरियाणा कांग्रेस में चली आ रही है उसका सरताज कौन होगा, यह शायद पार्टी वाला कमान भी यहां पर यह सोच में पड़ गया है कि अगर वह हस्तक्षेप करते हैं तो क्या हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण ना बिगड़ जाए। शायद यह एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि यहां पर पार्टी वाला कमान ना तो हुडा गुट को कुछ कह रहा है, ना एसआर के गुट को कुछ यहां पर कह रहा है, और नतीजा यह हो रहा है कि इस तरीके के जो हंगामे हैं, इस तरीके जो लात घूसे हैं वो तस्वीरें इस तरह की कार्यकर्ताओं में सामने आ रही है। और प्रदेश प्रभारी को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ रहा है कि अनुशासन बनाए रखे, अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखे, तो हो सकता है कि अभी आने वाले वक्त में पार्टी आलाकमान की तरफ से देखना यह होगा कि जब राहुल गांधी या पार्टी के आलाकमान सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर आते हैं चुनावी मोड़ के दौरान, उस दौरान मंच पर किस तरीके से एकजुटता हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अंजलि, ये बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने रहने वाली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।